बिलासपुर बेलगहना मार्ग मा आखिर कब थमही सड़क हादसा के सिलसिला, एखर जवाब कोनो तीर नहीं है। जबकि कारण स्पष्ट है कि अनियंत्रित गति ले वाहन मन के चलना और अंधा मोड़ मा संकेतक के अभाव, तही कड़ी मा फिर एक बाइक सवार के हाईवे के चपेट मा आए ले मौत हो गई। रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निकटतम ग्राम चपोरा तीर के सिमरा मोड़ में एक बाइक सवार हाईवा के जोरदार टक्कर ले मौत के आगोश में समा गई। बिलासपुर ले बेलगहना कति अनियंत्रित गति ले हाईवा चालक बाइक सवार ला जबरदस्त टक्कर मार दीस, जेखर ले मौका में ही युवक के दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी मन के अनुसार 40 वर्षीय मृतक संतोष जायसवाल ला हाईवा टक्कर मारे के बाद घसीटत लगभग 100 मीटर दूरिया तक ले गई, जेखर ले सिर में गंभीर चोट आए ले मौका में ही युवक दम तोड़ दिस। आक्रोशित ग्रामीण मन के द्वारा लगभग 2 घंटा तक चपोरा रोड में चक्का जाम कर दिए रहिस, जेखर ले दूरिया तक मोटर गाड़ी मन के लंबा कतार लग गए रही। घटना के सूचना पाके रतनपुर पुलिस तत्काल मौका में पहुंच के ग्रामीण मन ल समझाइस दीस, लेकिन ग्रामीण मन नहीं मानिस और उच्चाधिकारी के आए के इंतजार करत रहिन। ओखर बाद नायब तहसीलदार के द्वारा घटना स्थल में पहुंच के 10,000 रुपया के सहायता राशि प्रदान कर समझाइस देवत हुए चक्का जाम ल समाप्त करवाई गई। आज चपोरा में सुबह हाईवा से बाइक सवार का एक्सीडेंट में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में गांव वालों ने अपनी मांग रखते हुए चक्का जाम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज सहायता राशि देकर चक्का जाम समाप्त किया गया और यहां पर सुरक्षा के इंतजाम के लिए चिन्हांकित जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से रेडियम चिन्ह और जेब्रा क्रॉसिंग लगाया जाएगा। कितनी सहायता राशि दी गई? अभी फिलहाल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है और शीघ्र ही इनका प्रकरण जमा करके बाकी की सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। अभी वर्तमान में जो मांग किया गया है रोड के लिए, वो कब तक का निराकरण हो पाएगा? जी, यह NH का रोड है और इसके लिए मैं आधिकारिक रूप से तो नहीं बोल सकता कि कब तक हो पाएगा, लेकिन मैं शीघ्र ही इसे कलेक्टर साहब के समक्ष रखूँगा और जल्द से जल्द निराकरण कराने की कोशिश करूँगा।